अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, कम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मारू खान, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 एवोल्यूशन के एमसीक्यूज करेंगे 10th बायोलॉजी के। एमसीक्यू नंबर 1 है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, सो जेनेटिक्स होती है। जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन से, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। जबकि इनहेरिटेंस वो प्रोसेस होता है बाय विच करेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ही है जो डील करता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी से, वेरिएशन से। जो करेक्टर्स में वेरिएशन होती हैं वो हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। एमसीक्यू नंबर 2 है, द वे बाय विच जीन ट्रांसमिट करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मैंने अभी बताया वो इनहेरिटेंस होते हैं जिसमें करेक्टर्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एमसीक्यू नंबर 3 है, टू सिमिलर क्रोमोसोम्स इन अ सेल विच आर सिमिलर इन शेप साइज एंड पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर वो कहलाते हैं होमोलॉगस। होमोलॉगस वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें साइज भी सेम होता है, उनका करेक्टर भी सेम होता है, ट्रेड भी सेम होता है, शेप भी सेम होता है। ऑप्शन एस सी। एमसीक्यू नंबर 4 है, द केमिकल मटेरियल ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, सो वो कहलाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक ऐसा केमिकल मटेरियल होता है, लाइक हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हो देख सकते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कोई भी एक ट्रेड आप कह सकते हैं, एक धागे टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये दो धागे हैं ऊपर और ये फिर दो नीचे, तो ये होता है थ्रेड होता है, ये यहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे होते हैं पतले पतले से जो आगे जाके फिर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन इज ए। द आउटर पार्ट ऑफ डीएनए हेलिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड, सो वो अपराइट कहलाता है, नीचे वाला फिर रंग कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। लाइक हम ये कह सकते हैं कि वो आउटर पार्ट ऑफ डीएनए जो शुगर और फॉस्फेट से बना होता है उसको हम कहते हैं अपराइट, और जो रंग्स होती है ना वो नाइट्रोजनस बेसिस से बनी होती है, प्योरिन्स और पिरिमिडीन्स होते हैं। लाइक आप ये कह सकते हैं एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन और एक और होता है साइटोसाइन। सो ये होगा रंग्स नाइट्रोजनस बेसिस से बनती हैं, जबकि जो अपराइट होता है वो शुगर और फॉस्फेट से बनते हैं। फॉस्फेट ग्रुप होता है और राइबोज और राइबोलोज शुगर होती हैं, तो राइबोज होती है आरएनए में और राइबोलोज होती है डीएनए में। तो ये आउटर पार्ट डीएनए का पूछ रहे हैं, राइबोलोज शुगर होगी और फॉस्फेट ग्रुप होगा। 6 है, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज इन्फॉर्मेशन टू कोड वन प्रोटीन इज कॉल्ड, वो जीन कहलाती है। आप ये कहते हैं कि जो डीएनए का एक पार्ट है ना, स्मॉल सेगमेंट है, वो जीन होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपके क्रोमोसोम्स की। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 7, द एग्जैक्ट डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। डुप्लीकेशन हमेशा डीएनए की, लाइक डीएनए का डुप्लीकेट होना वो एक प्रोसेस होता है, रेप्लीकेशन उसी में होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। एमसीक्यू नंबर 7 है, इफ बोथ द पेरेंट्स डोनेट सेम फैक्टर ऑफ अ करेक्टर इज कॉल्ड, सो वो होमोजाइगस कहलाते हैं। जैसे एक पेरेंट्स की तरफ से आई है एलील टी कैपिटल टी और एक और पेरेंट्स से कैपिटल टी आई है, तो ये होमोजाइगस कहलाएंगे। जबकि अगर टी और टी होता तो ये हेटरोजाइगस कहलाते हैं। तो अगर बोथ पेरेंट डोनेट करते हैं सेम फैक्टर्स ऑफ अ करेक्टर, सेम एलील्स हों, सेम जीन हो, एलील्स कहते हैं ऑल्टरनेट ऑफ अ जीन। लाइक एक जीन आपके पास टॉल है और एक जीन आपके पास डार्फ है, तो आप क्या कहेंगे कि ये आपके पास एलील्स हो गई दोनों। लाइक जब भी दो पेरेंट डोनेट करते हैं सेम फैक्टर्स ऑफ अ करेक्टर ट्रेड को, उसको हम कहते हैं होमोजाइगस। एमसीक्यू नंबर 9 है, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ट्रेड इज कॉल्ड, तो वो जीनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, जबकि फिनोटाइप होता है फिजिकल अपेयरेंस। आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है, ये फिजिकल अपेयरेंस है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो फिजिकल अपेयरेंस, वो जीनोटाइप आपका होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है। आपको नहीं पता कि ब्लड ग्रुप आपका आई बी और आई है या फिर आपका आई बी और आई वी है। तो ये होता है जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप होता है, ये आपको नहीं पता चलता। आपको सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पता चलती है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, वो होमोजाइगस हो या हेटरोजाइगस हो, वी डोंट नो। सो ये होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ आर ट्रेड। करेक्ट ऑप्शन इज ए। मैं लेक्चर्स भी स्टार्ट करूँगी, पहले मैंने सोचा कि एमसीक्यू सॉल्व करवा दूँ, देन फिर लेक्चर्स एक साथ हम स्टार्ट करेंगे। सो दैट सेड, आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। पहले मैंने सोचा कि एमसीक्यू सॉल्व करवा दूँ चैप्टर्स के, देन फिर हम इंशाल्लाह लेक्चर्स पे आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।